जेड़ा ये त्योहार भारत के लोग सदियों तो मनाते आए उहदी जड़ जिहड़ी लगी हुई है वह जड़ पुराणा दे विच लगी हुई है। पुराणा तो यह त्योहार यह दिन रंभ होया मन्या जांदा है कि हरनक्श जिहड़ा है वह सारे लोगों नूं एक गल कहिंदा है, कहिंदा भी गाओ सारे के जले हरनक्श थले हरनक्श, भी सारे पासे हरनक्श है, मैं ही सारिआं दा रब हाँ। जिहड़ा अपने आप नूं रब समझदा सी परमात्मा ने उहदे घर विच उहदा ही एक ऐसा पुत्तर जिहड़ा भेजिआ उहनूं परमात्मा दा भगत बना दित्ता। उहदा पुत्तर प्रहलाद है, सारे लोग इहदे पिता दा नाम जपदे आ ते इह परमात्मा नूं जपदा है, परमात्मा दे गुण गायन करदा है। जदों परमात्मा दे गुण गाउंदा है ते पढ़न वास्ते भेजिआ गिआ पाठशाला दे विच, ते पाठशाला दे विच पढ़ाउण वाले उस्ताद संडा मरका जिहड़े है वह जिथे बाकी बच्चिआं नूं हरनाक्ष दा नाम पढ़ाउंदे है उत्थे प्रहलाद बाकी बच्चिआं नूं वी कहिंदा भी असल नाम हरनाक्ष नहीं, असल नाम जिहड़ा वह परमात्मा है, हरी है, परिपूर्ण परमात्मा है। ते इहदा फिर जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी अंदर भी आया, गुरदेव कहिंदे संडा मरका जाए पुकारे ओ जाके हरनाक्ष दे कोल पुकारा करदे है तेरा पुत्र जिहड़ा वह आप भी विगड़िया होया उहने बाकी भी सारे बच्चों नूं वगाड़ के रख दिता। ते फिर वह हर तरीका वरत्या गया कि यह मेरे नाम नाल जुड़े, ते फिर वह तरीके वरत के मारन का यतन किया गया, चाहे अग नाल होवे, चाहे पाणी नाल होवे, चाहे किसी भी तरीके दे नाल होवे के खत्म करना है। जिहड़ी उस हरनाक्ष दी भैण है उन्हें कहा कि ऐसा मेरे को वरदान है, कई इतिहासकार चादर लिखते है, ऐसी मेरे को एक चादर है जिदे करके मैनू अग नहीं लगती, मैं इनू चिखा दे विच लैके बैठ जावांगी ते इह प्रहलाद सड़ जाएगा, मैं बच जावांगी। ऐसा ही करन दा जतन किया पर करते दी कुदरत ऐसी है प्रहलाद बच जांदा है, होलका सड़ के सुभा हो जाती है। ते उस दिन तो फिर जिहड़े लोग है उन्होंने इदां ही चिखा बनाउणी, अग लाउणी, लकड़ां सड़ जाणियां ते उहदी सुभा चुक के एक दूजे के मत्थे ते मार देनी, एक दूजे के मूँह के उपर मल देनी। असल विच ते है कि एक सच्चा भगत जिहड़ा है जिहड़ा परमात्मा नूं प्यार करन वाला उहदी जित हुंदी है ते जिहड़े जुल्म करन वाले उहनां दी हार हुंदी है। भगत भी ऐसा फिर जिहनूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने साढ़े वास्ते प्रेरणा स्रोत बना के सानू सारिआं नूं कहा, इदां दा दृढ़ निश्चा अपने अंदर रखण दा जतन करो जिदां दा निश्चा प्रहलाद ने रख लिया सी। ते आपां इह मुबारक बचन पढ़दे हाँ, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, उहनां दी तरह जपण दा जतन करो। उह सवाह तो चली गल गारिआं ते चिकणां दे उपर हो के निबड़ी, एक दूजे दे उपर लोग गोहा सुटदे चिक्कड़ सुटदे, कई तरह दीआं बुरियाईआं समाज दे विच पैदा हो गईआं। ते खिमा करिओ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕੇਵਲ ਚਿੱਕੜਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੇ ਬਾਗੋ ਮੇਂ ਜ਼ੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਇਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर ने पहली बार कहा, देखो जिथे विचार की गल है महाराज कहिंदे ने उथे विचार नाल सूत्र आएगा, पर जदों किते हरनाक्ष नूं भी मारना होवे ते मन्या जांदा कि परमात्मा नूं भी नरसिंह का रूप धारण करके अपने नौहां दे नाल उहनूं मारना पिया। जे रब जिहड़ा है जिथे विचार की गल उथे नौहां दे नाल मारना पवे ते मार दिंदा उथे हथियार की गल भी है। गुरु नानक साहब महाराज ने पावन बोल कहे, गुरदेव कहिंदे जे कोई मूर्ख तुहाडे नाल आण के झगड़ा करे ना ते फिर उहदे नाल उलझना नहीं चाहीदा, पर अखर इहो बुझिए
मूर्ख है नाल ना लुजिए। महाराज कहिंदे उहदे नाल कोई झगड़ा नहीं करीदा। ते पुछिए साहिब जे बार बार आण के हटे ही ना, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी पीरी दीयां तेगां धारण कर लईयां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सन 1700 ईस्वी दे विच एक दिन समुचे खालसा पंथ नूं आनंदपुर साहब की धरती ते सद्या ते सद्दन तो बाद इतिहास के मुताबिक सतगुरु ने दो टोलियां बनाईयां। एक टोली जिहड़ी आ उहनूं चिट्टे रंग दे बस्तर जिहड़े पवाए गए, दूसरी टोली जिहड़ी उहनूं बसंती रंग दे बस्तर पवाए गए, ते एक टोली नूं किले दे विच काबज़ कर दिता, दूसरी टोली नूं कहा कि इन्हां नूं बाहर कढ़ के कब्जा तुसीं करना है। वैसे शस्त्रां दा अभ्यास सी। महाराज कहिंदे तुसीं जाके इस किले दे उपर काबज़ होना है, जिहड़ी टोली जित जांदी सतगुरु उहनां नूं मान सन्मान दिंदे, सत्कार दिंदे। फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर बेनती करा उस वक्त दा हाकम जेड़ा तख्त ते बैठा होया औरंगजेब, वह कहिंदा मेरे राज दे अंदर कोई भी घोड़सवारी नहीं कर सकता, कोई सिर ते पग नहीं बन सकता, थोड़े जे खास घराने सी जिन्हां नूं आग्या सी कि पालकी रख सकदे है, बाकी कोई पालकी भी नहीं रख सकदा, अपने कोल कोई शस्त्र भी नहीं रख सकदा। बल्कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दर्शाउणा चाहुंदे सन जिहड़ियां गुलामी दियां निशानियां तू इस प्रजा दे मत्थे ते मढ़ना चाहुंदा है, आ मैं सारियां गुलामी दियां उह चीज़ां नूं तोड़न लग्गिया। महाराज फिर इसे तरह दे नाल सारियां नूं कठियां करके केसगढ़ साहब की धरती तो आरंभता कर दे। महाराज सारे नगर थानी हो के ते एक किले दे विच जाके समाप्ति कर दे। होले दा पाव हुंदा हमला करना ते महल्ले दा पाव हुंदा वह जगह जिस जगह ते हमला किया जा रहा है। सतगुरु ने एक गल कही, कहिंदे लोग चिक्कड़ सुट के, लोग कच्चे रंग सुट के होलियां मनाउण दा जतन करदे ने, ते मेरे मालिक ने कहा सी औरन की होली मम होला कहो कृपा निध बचने मोला। महाराज कहिंदे आ मेरे वास्ते आए सिखो अपने हाथ विच शमशीर पकड़ लियो, जे जदों कोई किसे दे उपर जुल्म करदा होवे सच है उहदे सामने डट के खड़ जाना। जेड़े लोग भारत दे कायर हो चुके है, बुझ दिल हो चुके है, अणखां तों हीणे हो चुके है, सतगुरु ने उन्हां लोकां दे अंदर सहजे सहजे ऐसी अणख वीरता एहसास भर दिता कि उही लोग तेगां लैके रण मैदान दे विच आण के जूझन लग गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर एक बचन कहा, गुरदेव कहिंदे ने सिखो एक गल चेते विच रखियो, जे किते मेरे दर्शन करन वास्ते भी आउणा होवे ना अपने तन दे उपर ए तेग धारण करके आयो, जेड़ा तेग धारण करके आएगा उहनूं मेरे दर्शन नसीब होणगे, जेड़ा तेग धारण करके नहीं आएगा उहनूं मेरे दर्शन भी नसीब नहीं होएंगे। महाराज ने कहा जो वह साढ़े इतिहासकारां लिखिया, कहिंदे बिना शस्त्रं केसंग नरंग भेड़ जानो, शस्त्र तो बिना ते यह बंदा जेड़ा भेड़ दे बराबर है। बिना शस्त्रं केसंग नरंग भेड़ जानो, गहे कान ताके ले किते ना सधानो, यह मोरे आग्या सुनो तुम प्यारे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने ये आग्या मेरे प्यारे सिखो सारे सुनो, यह मोरे आग्या सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्रं केसंग देवू ना ददारे, मैं शस्त्रां तो बिना दीदार भी नहीं दे सकता। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हां शस्त्रां नूं इन्ना प्यार कीता, इत्थों तक कह दिता कि मेरे वास्ते सारे पीर फकीर रब दा रूप भी शस्त्र है। हस किरपाण खंडो खड़क तुबक तबर अर तीर सैफ सरोही साहे थी,
जय हमारे पीर। सतगुरु कहिंदे ने जेकर इस दुनिया दे विच धर्म दा राज स्थापित करना है, जे संतां दी रक्षा करनी है, जे जुल्म दा नाश करना है, तो ये सारे दे वास्ते फिर इक्को ही चीज़ है, वह केवल ते केवल तेग है। महाराज ने वह मुबारक बचन क्या कह लगे, खग खंड बिहंडंग खालदल खंडंग आतरण मंडंग बार मंडंग पुज दंड अमंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भाण प्रभंग। सुख संतां करनंग, संतां नूं सुख देण वास्ते सुख संतां करनंग, दुरमत दरनंग किल बिख हरनंग आस सरनंग, जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम पिरत पारण जय तेगंग। सतगुरु कहिंदे संतां नूं सुख देण वाली, जुल्म दा नाश करन वाली ते सच दा प्रकाश करन वाली केवल तेग है, भाव केवल शस्त्र है। ते सतगुरु ने इन्नियां बख्शां कीतियां, जदों गुरु घर स्थापित किया जाता है उदों भी उहदे ऐन बाहर उच्ची जगह दे उपर निशान साहब उस तेग दा प्रतीक है। ते सच यह गुरुद्वारा साहब दे अंदर आ जाइए, जदों किते कड़ा प्रसादी देग भेट करनी होवे उदों भी तेग ही फिरी जांदी है, भाव तेग ही सतगुरु ने सब तो सर्वोत्तम दसी। ते मेरे मालिक जी ने कहा आ शस्त्रां नूं धारण करो, इन्हां दा अभ्यास करना, यह एक कौमी त्यौहार चढ़दी कला दा प्रतीक। जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहब नूं छड के ते उस वक्त औरंगजेब की मौत हुंदी है, ते सतगुरु बहादुर शाह नूं तख्त ते बिठा दिंदे, ते बहादुर शाह दे जदों दरबार विच जांदे ना उत्थे बैठे हुए जिहड़े काजी सन उन्हां नूं बड़ी ईरखा होई भी जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहादुर शाह दे नेड़े हुंदे गए ते इस्लाम नूं खतरा पैदा हो सकदा है। उस वक्त दे दौरान उन्हां काजियां ने ईरखा वस गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सवाल करके कहा, कहन लगे कहिंदे सतगुरु ये दसो भी करामात की हुंदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे ने काजी आ बहादुर शाह सब तो वड्डी करामात है, इहदा हुक्म चलदा सारे पासे, लखां लोक इहदा हुक्म मनण वास्ते तैयार रहिंदे है, इन्नी फौज है, एक छिन विच जो मूँह तो गल कवे उसे छिन पूरी हुंदी है, दस ये करामात नहीं है। ते वो काजी कहन लगे कहिंदा महाराज ये तो फिर बहादुर शाह की करामात हुई ना, तुसीं दसो तुहाडे कोल किहड़ी करामात है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने कोल एक सिक्का लिया, उस सिक्के नूं उच्चा सुटिया, सुट के सतगुरु ने दोबारा हाथ दे नाल बुझ लिया, ते बुझ के कहन लगे कहिंदे काजी दुनिया की सब तो वड्डी करामात आई सिक्का ही पैसा ही, इहदे नाल दुनिया वेची जा सकती, दुनिया खरीदी जा सकती, कुछ भी चाहे पैसे दे नाल हो सकता, सब तो वड्डी करामात यह है। काजी कहन लगे कहिंदा महाराज फिर ये करामात पैसे की हुई ना, तुसीं दसो तुहाडे कोल किहड़ी करामात है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने म्यान दे विचों शमशीर नूं खिच लिया, ते खिच के कहन लगे कहिंदे बहादुर शाह ऐ देख तेरा काजी मेरे को करामात पुछदा ई, आ देख मैं दसन लग्या फिर मेरे वास्ते सब तो वड्डी करामात ये शमशीर है, जे चाहे ते हुणे काजी दा सिर वड के मैं धरती दे उत्ते सुट दिया। काजी कंबन लग्या, भाव महाराज एक गल दर्शाउणा चाहुंदे है कि जिथे शास्त्र है उत्थे शस्त्र ते शास्त्र दोवां नूं सतगुरु ने कठिया रखिया, भी ये तेग ही मेरे वास्ते सब तो वड्डी करामात है। मैं एक बचन कह के समाप्ति करन लग्या, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जिस वक्त राजस्थान की धरती दे उपर दादू जोध दी पीर दे उपर एक सवाल करके पुछया गया, महाराज एक धर्मी बंदा होवे ते उन्हूं की लोड़ है कि वह तेग लैके रण मैदान विच लड़दा फिरे, तुसीं दसो कि आ लड़न वास्ते शस्त्र क्यों चुके हुए है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे कहिंदे पहला तू दस भी तू की चाहुंदा है। वह कहन लगे कहिंदा महाराज मैं तो इन्ना की चाहुंदा है कि दादू दावा दूर कर कल का कीजे भाए जे को मारे ईट टीम राखे सीस चढ़ाए। कहिंदा महाराज मैं तो इदा करना भी जे कोई लोग ढेमा भी मार जन रोड़े भी मार दन मैनू वटे भी मारन तो मैं हाथ जोड़ के उन्हां दे रोड़े ते वटे भी सिर ते चुक लेना भी कोई गल नहीं तुसीं मार दिते सत बचना। महाराज कहिंदे फिर मेरी सुन
मेरे कोल ते सब तो पहला ए है भी जे कोई मैनू बुरा भला भी कवे ते इत्थों तक असीं करदे आं फरीदा जोत है मारन मुकियां तिन्ना ना मारे कुम असीं ते इत्थों तक जाने आं कि जे कोई मुकियां इत्यादि जिन्ना भी साढ़े ते तशद्दद करे असीं सत करके सहन कर लैने आं असीं तत्तियां तवियां ते भी बैठ जाने तां भी सी तक नहीं करदे असीं उबलदियां देगां दे विच उबाले भी खा लैने आं चांदनी चौंक विच अपना आप भी कटवा लैने आं पर महाराज कहिंदे ने इह सारा कुछ करन तों बाद फिर साढ़े कोल इक्को इक चारा है वह कहिंदा है कि दावा छड़ देना चाहिदा है महाराज ने फिर अगो बचन कहे दादू दावा रख कर कल का कीजे पाए जे को मारे ईट टीम पत्थर हमें वसाए असीं फिर उस जुल्म दा पत्थर दे नाल जवाब देना भी जानते हाँ शस्त्रां दा अभ्यास शस्त्रां दे नाल कौम दी चढ़दी कला दा पहला समागम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों 1700 ईस्वी दे विच कीता ते उस समय दौरान 7 दिन दा महान गुरमत समागम आनंदपुर साहब दी धरती दे उपर कीता गया सवेरे शाम दरबार सजदा है सारा दिन शस्त्रां दा अभ्यास हुंदा है ते सतगुरु ने एक कौम नूं अपना कौम दी चढ़दी कला दा प्रतीक होला महला बख्शिश कीता ये ता ही चढ़दी कला दा प्रतीक है जे सचमुच आपां इहनूं चढ़दी कला दे विच लैके जावांगे अपने मना दे अंदर चढ़दी कला रखण दा जतन कर सकांगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पाए पूरनियां दे उपर चलण दा जतन कर सकांगे।